उत्तराखंड के देहरादून में सचिवालय कर्मचारियों ने ग्रेड पे घटाने के विरोध में तालाबंदी की है। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के चलते सचिवालय में कोई भी अनुभाग नहीं खुल पाया है। इससे पहले कर्मचारियों को कार्यालय में घुसने से सचिवालय संघ से जुड़े नेताओं ने रोक दिया था। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो सोमवार को रणनीति तैयार कर बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। ये वेतन विसंगति की समिति निरस्त किए जाने योग्य है और इस वेतन विसंगति की समिति के निरस्तीकरण के लिए पुनर्विचार के लिए कैबिनेट की आगामी बैठक शीघ्र ही आगामी बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है और ये कहा गया है कि उसमें जितने विभागों का ये मामला डाउनग्रेड का मामला था उन सभी विभागों के लिए दोबारा से ये रिकमेंडेशन या दोबारा पुनर्विचार के लिए वेतन विसंगति समिति को मामला रेफर किया जाएगा। तो टीवी 100 संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के लिए। मदन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो ग्रेड पे घटाने का विरोध कर रहे हैं कर्मचारी, ये जो मामला सामने आया इसे लेके क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी देखिए, एक बहुत बड़ा मामला है। उत्तराखंड सचिवालय के सभी कर्मचारी जो आज हड़ताल पर बैठे हैं और अगर शासन प्रशासन का काम ठप हो जाता तो कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आती है और ये जो मामला है ग्रेड पे को लेकर है। जिस तरीके से कि पहले ग्रेड पे जो यहाँ पे कर्मचारियों का जो था उसको जो अभी कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया है कि उसको कम किया गया है। हालांकि ये जो निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार केंद्र में जो सचिवालय कर्मचारी उनका जो ग्रेड पे है वो कहीं ना कहीं यहाँ के सचिवालय कर्मचारियों की अपेक्षा कम है तो यहाँ पे भी ये निर्णय लिया गया था। पिछली सरकार ने भी एक समिति यहाँ पे गठित की गई थी इसके लिए, जिन्होंने कि ये निर्णय फाइनली लिया कि जो है ग्रेड पे यहाँ का जो कम कर दिया जाए यहाँ के कर्मचारियों का, तो उसी को लेकर जो है कर्मचारी में आक्रोश है और आज उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और पूरे सचिवालय में कहीं भी काम नहीं हुआ, सारे दफ्तरों में जो है तालाबंदी यहाँ पे की गई है। हालांकि अभी मीटिंग चल रही है एसीएस के साथ सचिवालय कर्मचारियों की, उनके जो संघ के जो अध्यक्ष हैं बिपिन जोशी जी के साथ मीटिंग चल रही है, अभी तक कोई निर्णय सामने नहीं आया है। लेकिन ये निश्चित रूप से ये उन्होंने फाइनल कर दिया कि जब तक ये वेतन विसंगतियों का मामला जो है दूर नहीं होगा तब तक जो सचिवालय में तालाबंदी जारी रहेगी। जी मदन, क्या आपको लगता है कि जो बातचीत चल रही है, ये जो मीटिंग चल रही है, उसके बाद कोई ना कोई हल निकाल लिया जाएगा? और अगर आपकी इनमें से किसी कर्मचारी से बातचीत हुई हो तो उनका क्या कुछ कहना रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से आज सुबह जो है सीएम साहब से वार्ता हुई थी सचिवालय कर्मचारी संघ की, जो है सीएम से वार्ता हुई थी, उन्होंने जो हल इसका दिया था, उन्होंने कहा कि अगली जो है बैठक बुलाई जाएगी और कैबिनेट बैठक जो अगली जो कैबिनेट बैठक होगी उसमें जो ये निर्णय लिया जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि ये जो यथावत आपकी जो जो सैलरी है या जो वेतन है आपका वो यथावत रहे, ऐसा आश्वासन सीएम साहब की तरफ से मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों ने जो है इस बात को नहीं माना, उन्होंने कहा हमको तत्काल निर्णय इसका चाहिए, तो अभी जो है एसीएस के साथ मीटिंग चल रही है और उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ये दूरियां बनी रहेंगी क्योंकि जब तक सीएम साहब ऑर्डर नहीं देंगे तब तक इन सब बैठकों का कोई मायने नहीं रहता है। जी तरीके से कर्मचारियों की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया सामने आई है मदन, कि कर्मचारियों का ये कहना है कि तत्काल निर्णय होना चाहिए, अगर तत्काल निर्णय नहीं हुआ तो ये जो सोमवार आएगा उसमें रणनीति बनाएंगे वो लोग और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे। जिस तरीके से आज हमारी सुबह बात वार्ता हुई थी अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मामला ये ग्रेड पे का ही नहीं, कहीं और भी अन्य मामले हैं जिनको लेकर कि हमें व्यापक रोष है। हालांकि ये तो एक बहुत बड़ा कुठाराघात हमारे साथ किया गया है कि अब जो है बात करने की आई, लेकिन कई मामले और भी उन्होंने सामने रखे थे, जैसे कि सचिवों की अगर बात की थी कि जो सचिव अपर सचिव होना चाहिए उसके जहाँ पे प्रमुख सचिव बनाया जाए, ऐसे कई मामले भी सामने आए, उनको लेके भी जो है बात उन्होंने कही है। लेकिन ये जो मामला है इसको उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर तत्काल जो है निर्णय नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन रूप लेगा यहाँ पे। जी जी मदन, तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।